जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 10 से 16 मई 2020। देश के लिए यह अच्छा समय रहेगा। व्यापार में तेजी आएगी, किंतु कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हो सकती हैं। गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। यात्राओं में भी तेजी आने की संभावना है। तेल के दाम गिरेंगे एवं सोने चांदी के भाव में भी तेजी आएगी। मेष राशि। उच्च के सूर्य का गोचर नवम चंद्र भाग्य का साथ मिलेगा। रविवार एवं सोमवार को आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त होंगी। सप्ताह मध्य में कार्य की अधिकता रहेगी एवं पिता से सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह अंत शानदार रहने की संभावना है। आय में वृद्धि के साथ मनोरंजन एवं परिवार का साथ भी मिलेगा। व्यापार उत्तम रहेगा एवं नौकरी में तरक्की के साथ वेतन वृद्धि। शिक्षा में सहयोग प्राप्त होगा। कार्य समय पर कर पाएंगे एवं विजयी भाव रहेगा। बाईं आँख में समस्याएं, दांत व जुकाम खांसी की समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में साथी से बिछोह होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। सूर्य को कंको मिश्रित जल से अर्घ्य प्रदान करें। वृषभ राशि। मंगलवार की दोपहर तक संघर्ष रहेगा। आय में गिरावट एवं परेशानी अधिक हो सकती है। विवाद भी हो सकते हैं। उसके बाद से सहयोग की प्राप्ति एवं बाधाएं समाप्त होंगी। सहयोग की अपेक्षाएं पूर्ण होंगी। सप्ताह अंत अत्यंत व्यस्तता में व्यतीत होगा। अटका धन आएगा एवं वाहन संबंधी परेशानी आ सकती है। प्रोफेशन में व्यापार मिला जुला असर रहेगा। नौकरी में परेशानी समाप्त होगी। शिक्षा में सफलताएं प्राप्त होंगी। मित्रों से मदद प्राप्त होगी एवं मदद करनी भी होगी। स्वास्थ्य में बाएं कान एवं कंधे में दर्द, शुगर की समस्याएं एवं त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार होंगे एवं जीवन साथी से उपहार की प्राप्ति होगी। शिवलिंग पर काले तिल अर्पण करें। मिथुन राशि। आरंभ अच्छा रहेगा। आय एवं सहयोग मिलेगा। सफलताएं भी प्राप्त होंगी। मंगलवार की शाम से संभल कर रहना होगा। वय के साथ तनाव बढ़ सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी एवं लापरवाही से बचने का प्रयास करें। शुक्र एवं शनिवार को समय पक्ष का हो जाएगा। शनिवार को घर पर ही रहने का प्रयास करें। प्रोफेशन में व्यापार में संभल कर रहें। निवेश से बचें एवं नौकरी में आलस्य नहीं करें। शिक्षा में प्रयास अधिक करने होंगे। शिक्षक अनुकूल रहेंगे। परिणाम बेहतर प्राप्त करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य में कमर, दाढ़, सीना, गर्दन में दर्द हो सकता है। रक्तचाप एवं जुकाम हो सकता है। प्रेम में जीवन साथी से ताना मिल सकता है। प्रेम में निराशा भी मिलेगी। शिव चालीसा का पाठ करना शुभकारी होगा। कर्क राशि। अज्ञात भय चिंता रहेगी। विरोधी स्वर उठाने का प्रयास करेंगे। कनिष्ठ लोगों से ज्यादा परेशानी होगी। बुध एवं गुरुवार को स्थितियों को संभालने में सक्षम होंगे एवं आय की स्थितियों में सुधार होगा। सप्ताह अंत में परेशानियां पुनः सर उठा सकती हैं। अनावश्यक व्यय बढ़ेंगे एवं संतान से दिक्कत आ सकती है। प्रोफेशन में व्यापार में स्थिरता नहीं होगी एवं नौकरी में कर्मचारी परेशान कर सकते हैं। शिक्षा में समय पर कार्य नहीं होने से खिन्नता रहेगी। पढ़ाई से मन उचाट होगा। स्वास्थ्य में पेट, अनिद्रा, गले में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। कफ एवं कमजोरी रहेगी। प्रेम में स्वयं के भरोसे पर प्रपोज करें। वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा। सिंह राशि। राशि स्वामी उच्च का है। चंद्र की अनुकूलता है। पराक्रम में वृद्धि होगी एवं भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। विवादों में विजय प्राप्त होगी एवं कार्य क्षेत्र में वर्चस्व कायम रखने में सफल होंगे। आय की स्थिति बेहतर बनी रहेगी एवं सरकारी क्षेत्रों से भी मदद प्राप्त होने की संभावना है। संतान का सहयोग प्राप्त होगा।
व्यापार उत्तम रहेगा, नौकरी में प्रमोशन एवं वेतन की वृद्धि होने की संभावना है। शिक्षा में मन अनुसार कार्य होगा, सुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी, कार्य समय पर होगा। स्वास्थ्य में बाएं पैर में दर्द, आँख की समस्याएं, सर दर्द, घुटनों में दर्द हो सकता है। प्रेम में विपरीत लिंग को आकर्षण रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शिव जी को जल अर्पण करें। कन्या राशि। रविवार से मंगलवार तक स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा, अशुभ समाचार भी मिल सकते हैं। बुधवार को संतान से सुख एवं आय में वृद्धि की राह प्राप्त होगी। कार्य में तेजी आएगी, शुक्र एवं शनिवार बहुत ही अच्छे रहेंगे, सहयोग प्राप्त होगा एवं पुराने परिचितों से सौहार्द मुलाकात होगी, प्रसन्नता प्राप्त होगी। प्रोफेशन में नौकरी में आ रही दिक्कतें समाप्त होंगी, व्यापार में तेजी बनी रहेगी, शिक्षा में पढ़ाई में आगे रहेंगे, शिक्षक सहयोग करेंगे एवं मित्रों की मदद भी करनी होगी। स्वास्थ्य में दाईं तरफ की दाढ़ में दर्द हो सकता है, बाल झड़ना, कीड़े का काटना एवं गले में खराश हो सकती है। प्रेम प्रस्ताव में सफलता प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा। गायत्री मंत्र का 10 बार पाठ करें। तुला राशि। सूर्य की पूर्ण दृष्टि, तृतीय चंद्र, कोई बड़ा कार्य अचानक बन सकता है। मंगलवार तक सभी आवश्यक कार्य निपटा लेवें, उसके बाद 2 दिनों की शांति रखें एवं धैर्य से कार्य करें। वित्तीय कोई काम नहीं करें। शुक्रवार से समय पुनः पक्ष का हो जाएगा, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी एवं संतान से भी सुख प्राप्त होगा। व्यापार सामान्य रहेगा, नौकरी में व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, शिक्षा में अनुशासनहीनता हो सकती है, शिक्षक नाराज भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य में आँखों में जलन, सर्दी जुकाम, पैरों में दर्द एवं सूजन हो सकती है। प्रेम में साथी से अनबन समाप्त होगी एवं जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। शिव जी को बिल्व पत्र अर्पण करें। वृश्चिक राशि। विरोधी सक्रिय रहेंगे एवं तनाव बना रहेगा, आय में कोई कमी नहीं होगी, सफलताएं भी प्राप्त होंगी, कार्य की अधिकता को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। सप्ताह मध्य में परिवार अनुकूल रहेगा, कोई आरोप भी लग सकता है, इसी तनाव में सप्ताह अंत खराब गुजरने की संभावना होगी, मन दुखी एवं परेशान रह सकता है। व्यापार में तरक्की रहेगी एवं नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा में प्रयासों में सफलता होगी एवं प्रतियोगी परिणाम पक्ष में रहेंगे। ज्वर, जुकाम एवं सरदर्द की समस्याएं हो सकती हैं, मन कुछ दिन उदास रह सकता है। प्रेम में साथी के प्रति नरम व्यवहार रहेगा, वैवाहिक साथी संबल प्रदान करेगा। गणेश जी को घी का दीपक अर्पण करें। धनुराशि। मौके मिलने के बावजूद पिछड़ने का भय है, आकर्षक व्यक्तित्व को कायम नहीं रख पाएंगे, आय व्यवस्थित रहेगी, सहयोग करने वाले मन मानकर सहयोग करेंगे, स्वयं के प्रति भी पूरा विश्वास नहीं रहेगा, दबाव महसूस करेंगे, योजनाएं मूर्त रूप नहीं ले पाएंगी एवं दूसरों की मदद करने में भी परेशानी आएगी। व्यापार में ध्यान नहीं रहेगा एवं नौकरी में चेतावनी मिल सकती है। शिक्षा में पढ़ाई में व्यवधान अथक प्रयासों से दूर होगा, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। स्वास्थ्य में कमजोरी, पीठ, कमर में दर्द, अपच एवं बमन की शिकायत हो सकती है। प्रेम में साथी से विवाद हो सकता है, वैवाहिक जीवन में सुखमय रहने की संभावना है। हनुमान जी को तेल का दीपक अर्पण करें। मकर राशि। व्यय की अधिकता रहेगी एवं तनाव भी रहेगा, समय के अनुसार कार्य नहीं हो पाएगा, परेशान करने वाले सक्रिय रहेंगे। बुधवार से राहत प्राप्त होगी, विफलताएं दूर होंगी एवं योजनाएं सफल होंगी। आय के मामलों में भी सुधार होगा, मित्रों से मिलना होगा, शुभ सूचनाएं भी प्राप्त होंगी। प्रोफेशन में व्यापार में पीछे रह सकते हैं, नौकरी में अधिकारी से
कुछ समस्याएं हो सकती हैं। शिक्षा में अध्ययन व्यवस्थित रहेगा, पुराना अभ्यास काम आएगा, स्वास्थ्य में चक्कर आना एवं वमन की शिकायत के साथ सर्दी जुकाम फ्लू की समस्या हो सकती है। प्रेम में कुमारों के विवाह संबंध तय हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख एवं प्रेम प्रस्ताव में निराशा प्राप्त हो सकती है। दुर्गा जी को लाल पुष्प अर्पण करें। कुंभ राशि, लाभ वृद्धि होगी एवं अटका धन भी प्राप्त हो सकता है। समस्याओं का निदान होगा। मंगलवार की शाम से व्यर्थ परेशानी आ सकती है, व्यय बढ़ेगा एवं व्यवधान उत्पन्न होंगे। शुक्र एवं शनिवार पुनः पक्ष के हो जाएंगे, आय में सुधार होगा एवं मन अनुसार सफलताएं पाने में सक्षम हो जाएंगे। विरोधी भी शांत रहेंगे। व्यापार में समकक्ष परेशान कर सकते हैं एवं नौकरी में अड़चने उत्पन्न की जाएंगी। शिक्षा में शिक्षक मदद प्रदान करेंगे एवं पढ़ाई में मन रहेगा, कार्य समय पर हो पाएगा। स्वास्थ्य में कफ की अधिकता हो सकती है, गर्दन पीठ एवं घुटने में दर्द, लोहे से चोट लगने की संभावना है। प्रेम में साथी विपत्ति में पड़ सकता है, जीवन साथी को सहयोग देना होगा। हनुमान अष्टक का पाठ करना शुभकारी होगा। मीन राशि, कार्य की अधिकता, पिता से सहयोग, मन में प्रसन्नता रहेगी, वर्चस्व की वृद्धि होगी, बुध एवं गुरुवार को धन लाभ होगा एवं सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। योजनाएं सफल होंगी एवं समस्याओं का निदान होगा। सप्ताह अंत थोड़ा चिंता प्रदान करने वाला हो सकता है, विरोधी सक्रिय रहेंगे एवं मुखर भी हो सकते हैं। प्रोफेशन में व्यापार उन्नत रहेगा एवं नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा में अध्ययन के प्रति सचेत रहेंगे एवं रहस्यमय विद्याओं को जानने की चेष्टा रहेगी। स्वास्थ्य में बाएं पंजे में ठोकर लग सकती है, अपच एवं पेट में बाईं तरफ दर्द हो सकता है। प्रेम प्रस्ताव में सफलता प्राप्त होगी एवं वैवाहिक साथी से दूर रहना पड़ सकता है। श्री राम दरबार का दर्शन करें। Instafeed.